नमस्कार किसान मित्रों, आज हमारे साथ कौन सा जगह है ये? तहसील पुआया है। तो ये फार्म जो है, फार्म पर ये सभी लोग हैं, फार्मर हैं। सबसे पहले भैया, यहाँ का अपना नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम मनजिंदर सिंह है। हमारा जो ये क्षेत्र है चंदुआ फार्म, तहसील पुआया, जिला शाहजहांपुर, और इस क्षेत्र को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। मिनी पंजाब जी, जी। सर आपका नाम? बेंत सिंह। महेंद्र सिंह? बेंत सिंह। बेंत, बेंत। सर आपका? रविंदर सिंह। आप लोग कितना, आप कितना आलू करते हो? हम तो थोड़े ही करते हैं भैया, 8-10 एकड़ करते हैं ये लोग। भैया लोग ज्यादा लगाते हैं। आप कितना करते हो? 8-10 एकड़ भैया। आप? 70 एकड़। 70 एकड़ आलू करते हो। अपने यहाँ पर आसपास एरिया में कोल्ड स्टोरेज लगभग कितना है? हमारे 7 कोल्ड स्टोरेज हैं। हमारे 7 कोल्ड स्टोरेज, 2-3 साल और नए बनने की स्थिति में है। अच्छा, इस साल अगले साल चालू हो जाएंगे। आपके यहाँ पे, आपके इस पूरी तहसील में लगभग कितना एकड़ खेती होती होगी? लगभग आलू एकड़ के हिसाब से, जो ये बेल्ट है हमारी, लगभग ये किलोमीटर के हिसाब से दायरा है हमारे। बताइए कितने किलोमीटर में लगभग होती है? 10 किलोमीटर की रेंज है इसके चारों तरफ। 10 किलोमीटर चारों तरफ में आलू आलू होता है यहाँ पे। सिर्फ आलू? धान आलू। कितनी फसलें यहाँ पर लेते हैं? हमारे यहाँ पे 3 फसलें ली जाती हैं। कौन कौन सी? पहले इस समय तो धान है, धान के बाद आलू हो जाएगा। आलू के बाद कुछ किसान तो खरबूजा लगा लेंगे, खरबूजा, तरबूज, या कुछ किसान मक्का लगाएंगे। जी जी। उर्द भी बोल लेते हैं लोग, उर्द भी लगा देते हैं। उर्द भी लगा देते हैं। तो आपके यहाँ पर आलू की बिबाई जो है, बुबाई जो होती है, किस मंथ से शुरू हो जाती है, मतलब लगना? हमारे यहाँ जैसे ये जो समय, इस समय आज तारीख है 13 सितंबर, 13 सितंबर है जी। तो लगभग हमारे यहाँ 15 तारीख से, जो आने वाले और 2 दिन बाद, हमारे यहाँ बीज की निकासी कुछ किसान लोग कर लेते हैं, जिन्होंने अगेती धान की बुआई की थी जी। और बाकी मोस्टली अक्टूबर का पहला सप्ताह, सारे लगभग मोस्टली 70% किसान अक्टूबर के पहले सप्ताह तक हमारे धान की कटाई सारी कम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग सारे किसान लोग बुआई के लिए खेत तैयार कर लेंगे। मतलब धान के बाद तुरंत आपका लगेगा जो आलू लगेगा। अभी आपके यहाँ पर आलू की निकासी जो है, कितना आपने यहाँ लोड कितना हुआ था आलू? लगभग 70% कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए थे जी। 70% की लोडिंग हुई थी, क्योंकि उसमें कुछ कोल्ड स्टोर यहाँ पे नए भी बन गए थे, क्योंकि एरिया उतना ही है तो कोल्ड नए बनने की वजह से कुछ कोल्ड कम भरे थे। आलू कैसा पैदावार हुआ था, कम या ज्यादा? आलू में कमी थी। अच्छा, पूरे भारत में हमें लग रहा है आलू कम पैदा हुआ था 2024 में। तो अभी जो है यहाँ पर आलू की निकासी कितना हो चुकी है सर? निकासी लगभग, डॉक्टर साहब, जो हमें रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज से मिली है, लगभग 52-53% की निकासी हमारे यहाँ कोल्डों में हो चुकी है। 52 से 53%। 53%। कुछ पेप्सी का आलू भी रखा हुआ था जी। तो वो पेप्सी भी उसी प्रतिशत में निकाल ले गई है। ओह, तो अभी जो है इस समय आपके यहाँ पर राशन आलू का क्या भाव चल रहा है? डॉक्टर साहब, ऐसा देखिए, कल से देखने में यह है कि जो बरसात लगातार हो रही है जी, कुछ इस वजह से कुछ कल से और आज के रेट में लगभग 100 रुपए की प्रति क्विंटल की तेजी है। मतलब 100 रुपए प्रति क्विंटल? 50 रुपए पैकेट। 50 रुपए पैकेट। तो राशन आलू का क्या भाव है? 1000 रुपए प्रति पैकेट, 50 किलो के दाम। 50 किलो के दाम 1000। कौन सा आलू है? चिप सोना आलू का है। और हाइब्रिड नहीं होता है? हाइब्रिड हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे हाइब्रिड सिर्फ 20 में होता है, 20 उसका बिकता है हाइब्रिड आलू का। और वो आलू हम लोग कच्चे में खोद देते हैं, सारा कच्चे में खोद देते हैं। और आपके पास अभी जैसे आपने चिप सोना बताया, और कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पर उपलब्ध होती हैं? हमारे यहाँ पे पुखराज है, ख्याति है, और हॉलैंड नहीं होता है हमारे यहाँ जी। और लाल की कुछ और वैरायटियाँ है, जैसे रेड रोज है, 7008 है, कुफरी उदय है जी, जी। ये कच्चा आलू हम लोग उत्पादन करके, हमारे पड़ोस में नेपाल है, तो नेपाल के लिए, नानपारा बॉर्डर पड़ता है, तो नेपाल के लिए ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है कच्चा आलू। यहाँ से नेपाल की दूरी कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर के आसपास में। तो जैसे कि अभी आपने बताया यहाँ पर राशन आलू का भाव लगभग 1000-1010 रुपए है, वो भी सब दाम। कोल्ड भाड़ा यहाँ पर कितना लगता है? 125 रुपए कोल्ड भाड़ा है। 125 रुपए। अच्छा, जो बीजा वाला, बीजा का यहाँ पर क्या भाव खुला अभी? बीजा का भी भाव नहीं खुला है, लेकिन लगभग जो किसान, क्योंकि अभी बीजा बिका नहीं है कोई भी, लेकिन 1200 रुपए प्रति पैकेट के दाम किसान अभी मांग रहे हैं। लेकिन उसमें अभी कोई श्योरिटी नहीं हुई है कि अगर कोई बीजा बिकेगा तब उसका 100% सही हो पाएगा। 1200 रुपए किसान बीजा के मांग रहे हैं। 1200 कौन सा आलू का? उसमें लाल की कुछ वैरायटियां हैं, कुफरी उदय की हैं, कुफरी उदय है, करोड़ा है, रेड रोज है जी। कुछ चिप्सोना के भी 1200 रुपए प्रति बैग के दाम किसान लोग मांग रहे हैं। तो जैसे यहाँ का मौसम इस समय कैसा है? मौसम 2-3 दिन तो बादल और बारिश दिखाई दे रही है, तो मौसम इस समय ये नहीं लगता कि, अगर वैसे तो हम लोगों के यहाँ
जो इस क्षेत्र में लगभग 15 तारीख से बुआई कुछ लोग सीड निकाल लेते हैं, लेकिन इस बार बारिश होने की वजह से अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है किसानों की, कोई भी बीज अभी हमारे क्षेत्र में अभी नहीं निकाल। मतलब इस बार यहाँ पर भी बिजाई हमें लगता है लेट होगी। बिजाई लेट है। अच्छा, बिजाई लेट होने से क्या कुछ फायदा मिल सकता है आलू जो रखा लोगों का? लगभग 100% फायदा मिलेगा। अच्छा अच्छा। समय आगे बढ़ेगा, कुछ जो नया आलू लेट आएगा तो 15-20 दिन का भी अगर गैप मिल जाएगा तो लगभग फायदा मिलना तय है किसानों को। मतलब अगर पता चला कि जो वो आपका मतलब एक अक्टूबर में होगा ना लगभग बुवाई, अब तो इस महीने में तो कोई चांस नहीं ना पूरा का पूरा। तो जैसे कि आप लोग जब आलू कच्चा बोते हो तो यहाँ पर लोकल में मंडी कहाँ पे है? मंडी लोकल में हमारे मंडीकरण नहीं है, लेकिन हमारे खेतों से ही व्यापारी लोग खेतों में आ जाते हैं, तो खेतों से ही सारा आलू हमारा बिकता है। खेतों से ही खड़े खेत का सौदा किया जाता है, खड़े खेत से ही सारा आलू बिकता है। आप लोगों के पास कोई पंजाब ऊना होशियारपुर का कोई अपडेट है? जी हाँ, कुछ ऊना होशियारपुर का ये अपडेट है कि वहाँ पे बारिश कुछ प्रतिशत लगभग वहाँ पे खेत में दा आलू लगा था, लेकिन बारिश होने की वजह से वहाँ पे लगभग नुकसान काफी मात्रा में बता रहे हैं किसान लोग। मतलब लगभग कितना नुकसान हुआ है बरसात से? लगभग 50% तो समझिए जो बुआई हो गई थी, लगभग 25-30% बुआई बता रहे थे वहाँ पे हो गई है, लेकिन वहाँ पे अगर अब बारिश खुलने पे ही पूरा आकलन होगा कि अगर धूप निकलती है तेज धूप हो जाती है कि आलू में गलन पैदा होगी, अगर कुछ पानी लगने से बच जाता है तो आकलन तो अभी दे माना मुश्किल है कि कितना आलू सड़ेगा उसमें, लेकिन नुकसान 100% उसमें होना तय है। नुकसान होगा मतलब चाहे 20% हो चाहे 25, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि जैसे अगर बारिश हो गई है जिस खेत में आलू लगे हो तो उसका उत्पादन तो कम निकलना तय ही है। अगर 150 पैकेट प्रति एकड़ निकलता है 60 दिन का आलू, तो बारिश होने की वजह से वो 100 पैकेट ही रह जाएगा। ऊना होशियारपुर में जो आलू की बिजाई है वो लगभग कब तक बुवाई कंप्लीट हो जाया करती थी? वो लगभग 15 ये जो समय चल रहा 15-20 तारीख तक कंप्लीट हो जाया करती थी। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ से वो 15 दिन पहले आलू आ जाता था मार्केट में। जी, तो अब नहीं हो पाएगी इस बार? अब नहीं, इस बार हमें लग रहा 20-25 चलेगी। इस बार ऊना होशियारपुर और हमारा क्षेत्र लगभग एक बराबर ही चलेगा, एक लगभग आप ही का नहीं, हमें लग रहा आपके एक साथ ही आलू आएगा। जी हाँ, यही है, क्योंकि आपका पूरा उत्तर प्रदेश जितना अपना जो है अभी जैसे कन्नौज और फरकाबाद में भी अगैती आलू लगता है वो भी नहीं लग पा रहा है बरसात के चक्कर में, आप लोग भी नहीं लगा पा रहे हो, उधर पंजाब भी नहीं लगा पा रहा है, तो हमें लगता है पूरे प्रदेश में मतलब पूरे भारत में लगभग जो भी आलू अगौती करते हैं वो इस बार सब अक्टूबर के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ, सारा आलू एक साथ ही आएगा। एक साथ आलू आने से क्या अच्छे भाव मिल जाएंगे? नहीं, अच्छे भाव मिलने के तो चाहिए किसान को, क्योंकि वो पहले होता था कि जगह से आ जाता था तो वो अगर वहाँ पे भाव नहीं रह रहा तो हमारी मंडियाँ वो पार्ट आलू इधर हमारी साइड में आ जाता था, लेकिन अब जब सारी जगह का होगा तो सारे किसानों को एक समान भाव मिलेगा। अच्छा हाँ, सारे समान सबको एक साथ साथ मिल जाएगा ना। तो आपके यहाँ पर बुवाई लगभग कब से स्टार्ट हो जाएगी? अब अगर बारिश कल परसों का हम मौसम विभाग का है कहना है कि अलर्ट किया है कि 3 दिन बारिश होनी है, अगर 3 दिन बारिश भी के बाद भी बारिश खुल जाता है मौसम साफ हो जाता है तब भी लगभग 10-15 दिन अभी बुआई भी नहीं हो पाएगी ना ही बीजा निकलेगा, क्योंकि अभी हमारे धान की कटाई भी होने को है, धान पक के तैयार है, बस लगभग 15 दिन बाद मानिए 15 दिन बाद हमारे यहाँ बिजाई लगभग शुरू हो जाएगी हल्का फुल्का, वो भी जब खूब होगी तो हमें लगता है भाई मान के चलो 15 अक्टूबर या 10 अक्टूबर 10-15 अक्टूबर से पहले नहीं हो पाएगी। पिछली बार हुई थी पानी लगे। क्या जी सर? पिछली बार हुई थी खेती बुआई और पानी बरस गया। पानी बरस गया था मतलब नुकसान हो गया। इस बार नहीं करी है बरसात के चक्कर में। तो क्या लग रहा है ऐसी बरसात चलती रही तो आगे क्या भाव और बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, आलू में है, आलू है, ये आलू है, ये किसी भी साइड में जाएगा अभी कोई, क्योंकि आलू ऐसा ना जो हल्के व्यापारी या हल्के किसान थे जो डर रहे थे, क्योंकि एक बार बीच में ऐसा हो गया आलू एकदम से नीचे रेट गिरना शुरू हुआ तो आलू बहुत जल्दी तेजी से नीचे गिरा, तो किसान लोग भी घबरा गए, उन्होंने और माल अपना बेचना शुरू कर दिया कि कहीं और ना भाव गिर जाए, लेकिन अब ये समय अब एक तो ये हो गया है कि निकासी जो है वो आंकड़ा सामने आ गया है किसान के, व्यापारी के भी सामने आ गया कि इतने % निकासी हो चुकी है, अब अगर 50% आलू बचा है 50% निकल गया तो उसमें से बीजा भी है 25-30% बीजा है और 25-30% राशन बचा है बस, तो टाइम तो आराम से है। जी हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। गिरने की लगभग वजह यह भी रही है क्योंकि पेप्सी या जो भी कंपनियां थी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कंपनियां थी उन्होंने अपना आलू हमारे यहाँ क्षेत्रों में भी कोल्डों में 25-50 हजार 2-2 लाख कट्टे रखा था, उन्होंने क्या किया उन्होंने इसी जब गुजरात में अच्छा रेट 1400-1500 रुपए पैकेट का बिक रहा तो पूरा आलू एकदम से निकाल के मंडियों में फेंक दिया,
तो क्योंकि उन्हें चिप्स बनाया था, उन्होंने चिप्स नहीं बनाया इस बार, तो उन्होंने मार्केट में वो आलू बेच दिया। सरपो मीरा वाला, सरपो मीना हो गया, हाँ। हो गया, एफसी फाइव हो गया, तो वो जो राशन आलू उनका क्वालिटी का आलू था तो वो पहले भी था, किसानों के दाम इसीलिए कोल्ड स्टोरेज के कम हो गया। तो अब आंकड़ा निकल के सामने आया है, तो उम्मीद है कि रेट जरूर ऊपर बढ़ जाएंगे। अब तो बढ़िया जाएंगे मतलब। तो अभी हमारे साथ ये लोग जो है पुबाया से थे और इन्होंने अपना जो है यहाँ पर बताया। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी दे सकते हो। धन्यवाद।